सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जितनी ग्रोथ का अनुमान लगाया, ग्रोथ उससे अधिक हो सकती है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि इस साल ग्रोथ का आंकड़ा 8% तक भी पहुंच सकता है। फरवरी अंत में सरकार की तरफ से ग्रोथ को लेकर जो अनुमान जारी किया गया था, उसमें वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 7.6% ग्रोथ का अनुमान था, लेकिन अब संभावना ज्यादा ग्रोथ की लग रही है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने हाल में फिनटेक कंपनियों पर हुई सख्ती को लेकर भी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक खुद फिनटेक कंपनियों को सपोर्ट कर रहा है, और मजाकिया लहजे में रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि फरारी चलाने वाले को भी ट्रैफिक नियमों का तो पालन करना ही पड़ता है। चलिए एक एक करके इस पर हम व्यू लेते हैं अंशुमान जी का। अंशुमान जी, पहले तो 8% ग्रोथ रिजर्व बैंक गवर्नर जिस नंबर पर नजरें और उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपको ये रियलिस्टिक दिख रहे हैं और क्यों ऐसी उम्मीद है इन्हें? दिसंबर तिमाही के आंकड़े हमारे सामने आए, हमने विस्तार से उन पर चर्चा की और उसकी वास्तविकता अलग अलग तरीके से सामने है। उन आंकड़ों में जिस में जो ग्रोथ का हिस्सा दिखाया गया और जो कंजम्पशन का या डिमांड का हिस्सा था, उनमें बड़ा फर्क था, खासी डिस्क्रिपेंसीज थी। टैक्सेशन में बढ़ोतरी के आधार पर GDP की ग्रोथ को बढ़ता हुआ दिखाया गया था और ये आंकड़ों के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चुनाव का मौका है, रिजर्व बैंक गवर्नर कुछ ऐसी बात नहीं कहेंगे कि ग्रोथ में कमी हो। 8% ग्रोथ थोड़ी ज्यादा उत्साही आंकलन लगता है, क्योंकि अगर आप ग्रोथ को डिकंस्ट्रक्ट करें, अगर आप GDP के आंकड़े को खोलें, उसके एक पुर्जे हिस्से को खोलें, तो आपको दिखाई देगा कि एग्रीकल्चर में पिछले 3-4 साल की न्यूनतम ग्रोथ रेट है। भारत में डिमांड की ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है। पिछले साल का बेस इफेक्ट भी कहीं कहीं ना प्ले कर रहा था, लेकिन ये तकनीकी बात है। भारत की आर्थिक विकास दर 6.5 से 7% के आसपास तो रहेगी, ये महत्वपूर्ण देखना है। आज भी कुछ आंकड़े हमारे पास आए जिसमें पता चला कि कंपनियों को रूरल एरिया से अभी भी डिमांड आती नहीं दिखाई दे रही है, रूरल कंजम्पशन में बड़ा डिमांड नहीं है। कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था और उसमें हमने इंडिकेट किया था कि कंज्यूमर कंपनियां कह रही हैं कि उनके पास फुटफॉल्स नहीं है मॉल्स में, वो डिस्काउंट्स खत्म कर रही हैं। तो ये एक दूसरी साइड की स्टोरी है जो ग्रोथ का एक पैराडॉक्स है जो हमें दिखाई दे रहा है, जहां जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा, जिसको कि हम माइक्रो इकोनॉमी की भाषा में मानते हैं, जो तत्काल आने वाली सूचना है, जो हाई फ्रिक्वेंसी नंबर्स हैं, वो इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि बहुत रोबस्ट ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी आंकड़ों के अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं जो रोबस्ट ग्रोथ के आने वाले समय में आदमी अच्छी आर्थिक विकास दर को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें खासतौर से कॉर्पोरेट टैक्स का, कंपनियों के टैक्स का कलेक्शन, जिसने पिछली तिमाही में आर्थिक विकास दर को बढ़ाने में मदद की। अब अगली बात जो उन्होंने कही कि भाई जो फरारी चलाता है उसे भी ट्रैफिक के नियम जो है उसे पालन करना होगा, तो फिनटेक कंपनियों पर सख्ती को लेकर उनका इस तरह से बोलना, क्या उनका तर्क आपको कन्विंस कर रहा है? RBI गवर्नर के पास वो शिकायतें, वो जो झुंझलाहटें, वो उलाहने तो पहुंचे ही होंगे जो फिनटेक का उद्योग लगातार दे रहा है कि RBI स्लेजिंग इस उभरती हुई पूरे कारोबार की को सख्त नियमों में बांध रहा है, ओवर रेगुलेट कर रहा है, इस चीज से ग्रोथ पर असर पड़ेगा। RBI गवर्नर काफी दो टूक और बेबाक दिखाई दिए। उन्होंने जो इस मेटाफर का, जिस रूपक का इस्तेमाल किया है कि चाहे आप फरारी चला रहे हो या आप छोटी कार चला रहे हो, ट्रैफिक के नियम तो एक समान है। लेकिन इस पूरे बयान के पीछे महत्वपूर्ण बात है कि रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपने फैसलों को लेकर कहीं कोई किसी तरीके के पुनर्विचार की बात नहीं कही। यानी वो ये मान रहे हैं कि फिनटेक कंपनियां नियम तोड़ रही हैं, अगर उनके पास फरारी चलाने की फरारी है तो वो उसे उन नियमों के तहत नहीं चला रही है, और इसलिए ये कार्यवाही आने वाले समय में, संकेत है कि ये कार्यवाही आने वाले समय में जारी रह सकती है।